अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर में हुआ था। उनके पिता कृष्ण बिहारी वाजपेयी एक टीचर थे। वाजपेयी जी ने ग्वालियर के विक्टोरिया कॉलेज से पढ़ाई की। उन्हें पॉलिटिक्स और साहित्य दोनों में बहुत रुचि थी। उन्होंने कैनपुर के डीएवी कॉलेज से पॉलिटिकल साइंस में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री ली। स्टूडेंट लाइफ से ही वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस से जुड़ गए थे। यहीं से उनकी लीडरशिप स्किल्स का विकास हुआ। 1951 में वाजपेयी जी भारतीय जनसंघ के फाउंडिंग मेंबर्स में से एक थे। बाद में यही पार्टी भारतीय जनता पार्टी बीजेपी बनी। अपनी शानदार स्पीकिंग स्किल्स और तर्क शक्ति से उन्होंने पार्टी में जल्दी ही अपनी जगह बना ली। 1957 में वे पहली बार बलरामपुर से लोकसभा के लिए चुने गए। संसद में अपनी बातों और तर्कों से वे सबको प्रभावित करते थे। कई सालों तक वे जनसंघ के संसदीय दल के नेता रहे। 1975 में इमरजेंसी के दौरान वाजपेयी जी को जेल में डाल दिया गया था। इमरजेंसी हटने के बाद जनसंघ का जनता पार्टी में विलय हो गया। वाजपेयी जी जनता पार्टी सरकार में विदेश मंत्री बने। 1980 में जनसंघ के कई नेताओं ने मिलकर भारतीय जनता पार्टी बीजेपी बनाई। वाजपेयी जी इस नई पार्टी के मेन लीडर्स में से एक थे। उन्होंने बीजेपी को एक मजबूत राष्ट्रवादी पार्टी बनाने में बहुत बड़ा रोल निभाया। 1996 में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। वाजपेयी जी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। हालांकि कोअलिशन गवर्नमेंट होने की वजह से उनका यह कार्यकाल सिर्फ 13 दिन ही चल सका। इतने कम समय में भी उन्होंने कई इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए। उन्होंने परमाणु परीक्षण करने का संकेत दिया, जिससे भारत को एक न्यूक्लियर पावर बनाने का रास्ता खुला। 1998 में बीजेपी ने एक बार फिर चुनाव जीता और वाजपेयी जी दूसरी बार प्रधानमंत्री बने। इस बार उन्हें पूर्ण बहुमत मिला था। अपने दूसरे कार्यकाल में उन्होंने भारत के विकास के लिए कई अहम कदम उठाए। उनकी सरकार ने एजुकेशन, हेल्थ और गरीबी हटाने जैसे क्षेत्रों में भी कई इंपॉर्टेंट स्कीम्स लॉन्च की। उनका लक्ष्य था भारत को एक मॉडर्न और विकसित देश बनाना। वाजपेयी जी ने अर्थव्यवस्था को लिबरलाइज करने के लिए कई अहम कदम उठाए। उन्होंने प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दिया और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए पॉलिसीज बनाई। उन्होंने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर में भी काफी तरक्की की। उनकी सरकार ने सड़कों का जाल बिछाने के लिए स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की शुरुआत की। इस योजना का उद्देश्य देश के चार मुख्य शहरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को आपस में जोड़ना था। 1998 में वाजपेयी सरकार ने पोखरण में न्यूक्लियर टेस्ट्स किए। इससे पूरी दुनिया में भारत की इमेज एक मजबूत देश के रूप में उभरी। वाजपेयी जी ने पड़ोसी देशों के साथ संबंध सुधारने की कोशिश की। उन्होंने पाकिस्तान के साथ शांति वार्ता शुरू की। उन्होंने अमेरिका के साथ संबंधों को मजबूत बनाने के साथ साथ रशिया और चाइना जैसे देशों के साथ भी दोस्ताना संबंध बनाए रखे। वाजपेयी जी एक मशहूर कवि और वक्ता भी थे। उनकी कविताओं में देशभक्ति, अच्छे मूल्य और जिंदगी के प्रति एक सकारात्मक नजरिया दिखता है। उनकी कुछ फेमस कविताओं में हार नहीं मानूंगा, गीत नया गाता हूं और अटल बिहारी वाजपेयी की कविताएं शामिल हैं। उनकी शानदार स्पीकिंग स्किल्स की वजह से उन्हें भारत का भीष्म पितामह भी कहा जाता था। वे अपनी बात को बहुत ही आसान और असरदार तरीके से कहने में माहिर थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम भारतीय राजनीति में हमेशा के लिए अमर हो गया है। वे एक महान नेता, कुशल वक्ता, दूरदर्शी राजनेता और एक संवेदनशील कवि थे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी देश की सेवा में लगा दी। उनकी पॉलिसीज और योजनाओं ने भारत को एक मजबूत और विकसित देश बनाने में बहुत बड़ा रोल निभाया है। उनका व्यक्तित्व और विचार आज भी लाखों लोगों को इंस्पायर करते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी एक युग पुरुष थे। उनके नेतृत्व में भारत ने तरक्की की नई ऊंचाइयों को छुआ। वे एक ऐसे नेता थे जिन्होंने हमेशा देश हित को सबसे ऊपर रखा। उनका जीवन और कार्य सभी के लिए प्रेरणा का सोर्स है।